हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दलिया की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दलिया, और सुपर टेस्टी दलिया मैं बनाकर बता रही हूँ आज आपके लिए। तो लिया है मैंने एक कुकर, कुकर को धो करके अच्छी तरीके से मैंने रख दिया गैस पे। कुकर हमारा हीट हो गया, जब उसके बाद उसमें मैंने घी ऐड किया है 2 बड़े चम्मच। आप चाहो तो ऑयल से भी बना सकते हो। यहाँ मैंने चॉप करके अच्छी तरीके से अनियन को रख लिया था, उसे इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसको ऐड करने के बाद हमारे गोल्डन कलर के आ गए हमारे अनियन। जब इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर के पेस्ट और गार्लिक थोड़ी सी ऐड की है। आप चाहो तो पसंद करते हो खाना तो ऐड करो, वरना स्किप कर सकते हो। बगैर जिंजर गार्लिक के भी बना सकते हो, या फिर जिंजर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने चॉप करके ग्रीन चिल्ली और 2 बड़े साइज़ के टोमेटो को ऐड किया। आप चाहो तो इसमें अपने पसंद की कोई सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हो, जो वेजिटेबल इसमें ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको भी नमक डाल करके मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, ताकि हमारे जो टमाटर थे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैं इसमें कैरेट यानी कि गाजर को काट करके इसमें ऐड कर दिया है, मैंने कि चॉप करके डाला छोटे छोटे पीसेस में। आपको जिस साइज में खाना पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। पूरा खाली चाहिए। गाजर डालने के बाद मैंने कट करके रखे थे पोटैटोस, उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारे आलू को पानी में भिगो के रखे थे मैंने, उसको इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर पानी में भिगो के रखें तो उसका टेस्ट अलग आता है। और हमारी वीडियोस आपको अगर पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और यहाँ मैंने दलिया को धो लिया था, ये पुष्टाहार दलिया है। इसको धो करके अच्छी तरीके से सोक करके रख लिया है मैंने, और इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैंने डाल रही हूँ हल्दी, और हल्दी डालने के बाद मैं थोड़ी सी गर्म मसाले ऐड किए हैं इसमें, और भुने हुए जीरा के पाउडर इसको इसमें ऐड किया है मैंने। आप इसमें हरी मिर्च डालो या फिर लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। मुझे बच्चों को भी खिलाना है तो मैंने कम डाला है ग्रीन चिली और चॉप करके डाला है। और इसमें ऐड किया है मैंने करी पत्ते, और आपको बताना भूल गई थी, छोटी सी वीडियो मिस हो गई थी। तो आप जो वो ग्रीन कलर के देख रहे हैं ना, वो हमारे करी पत्ते हैं। आपके पास हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इसको लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और 2 मिनट हो गए हमारे, अब इसका लिड बंद कर देना है। इसमें मैंने लुक वार्म वाटर ऐड कर दिया। लुक वार्म वाटर ऐड करने से डायरेक्ट इसमें ठंडापन नहीं आएगा। और इसके बाद इसको आराम से 2 सीटी देने के बाद ठंडा होने दिया कुकर। देखिए ठंडे हो गए हमारे कुकर की सीटी, एयर निकल चुके हैं सारे। उसके बाद मैं खोल के इसे दिखा रही हूँ। देखिए बहुत बढ़िया से बन के तैयार हुआ हमारा दलिया। तो बहुत पौष्टिक आहार है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। अगर दलिया खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से बनाएं। फिर आप कहेंगे तो मैं मीठी दलिया भी बनाकर दिखाऊंगी आपको। बन के तैयार हो गया हमारा दलिया। अगर हमारी रेसिपीज आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर देना, और नए आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, और मैं हूँ रानी, रानी के किचन में आपका स्वागत। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए दलिया रेसिपी। ऊपर से मैंने इसमें सर्व करने के बाद और अलग से घी ऐड कर दिया है, ताकि इसका टेस्ट और अलग से आए। बहुत टेस्टी होता है ये, और अगर गरम गरम ही सर्व कर रहे हैं उसमें आप, मैंने तो घी में ही बनाया था, उसके बावजूद भी ऊपर से घी ऐड कर दिया थोड़ी सी इसका टेस्ट दुगना हो जाने के लिए। घी ऐड करने के बाद उसको चलाते रहना है ताकि मिक्स हो जाए आपस में, घी पूरे दलिए में जो मैंने निकाला उसमें मिक्स हो जाए। और इधर देखिए, हेलो गाइस, हनी बदमाशी कर रही है आके। इसका होमवर्क करने छोड़ के मैं आई थी कि होमवर्क करेगी, पर इसकी बदमाशी देखिए इधर क्या किए। पानी का जार वो खाली है, तो खाली वाला को गिरा करके यहाँ पर चेयर घुसा के मम्मी क्या सामान कैसे रख रही है उसको वो नोटिस कर रही है यहाँ बैठ के। और एक इधर भी है देखिए, बिस्किट खाने में लगी
उसको भी बिस्किट मिल गया, वो भी खा रही है। और यहाँ देखिए बारिश हो रही ना बहुत तेज, तो क्या क्या मैंने किचन का जो है ये क्लीन के लिए कपड़ा, मैंने कि कुछ ही गर्म चीज़ मैं पकड़ती हूँ, तो देखिए धो करके मैंने इसमें अभी तुरंत रखा है और फैन ऑन किया है ताकि ये सूख जाए जल्दी। तेज़ बारिश हो रही है ना, कहीं सूखने का इंतजाम नहीं है। कपड़े तो मैं इतनी मुश्किल से सुखा रही हूँ कि कुछ हद नहीं। और यहाँ पर ग्रोसरी का क्या क्या सामान आया है कल मैंने देखा ही नहीं अभी तक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया है। और ये रहा कसूरी मेथी, ये रहे क्रॉप बिस्किट, एक बिस्किट अभी सुबह निकाला है मैंने, और ये मेरीगोल्ड, और एक क्रॉप बिस्किट, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये मेरीगोल्ड, और ये मीट मसाला दो पैकेट हैं, ये चिकन मसाला, और नमक का पैकेट है, ये देखिए नमक, और ये शक्कर, और क्या है ये रहे दाल, और ये भी रहे दाल, और ये भी रहे दाल, तीनों दाल आ गए। मैं तीनों दाल को मिलाकर बनाती हूँ। ये रहे हमारे अनियन, रात को आए थे तो मैंने थैला खाली ही नहीं किया, कुछ नहीं है, खाली हो गई है, इसे मोड़ के रख दूँगी। देखिए सब सामान बिखरा लिया है, डब्बे में डाल दूँगी सब। दाल मिक्स कर दे रही हूँ मैं अभी, मिक्सर के डब्बे में डाल के रखूँगी ना तो निकाल के बनाने में आराम हो जाते हैं। चना दाल मिक्स कर दिया और राहड़ दाल भी मिक्स कर दिया, जो दाल है अच्छे से चून के डब्बे में डाल देती हूँ। राहड़ दाल भी मिक्स कर दिया, और ये मसूर की दाल और मूंग दाल अलग से रखती हूँ, जब मूंग दाल बनाना हो तो अलग से बनाती हूँ, और ये साइड करके रखूँगी, जब अलग दाल बनानी होगी अलग तरीके से तो उसे अलग में भिगाती हूँ। सारे दाल में चूनी ले रही हूँ ऐसे करके, चून लिया है, मिक्स कर दे रही हूँ, बस इस तरीके से मिक्स करके रखूँगी ना, निकाल के बनाने में फटाफट से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले मैं अलग अलग डब्बे में सारे दाल रखती थी और अलग अलग निकालती थी बारी बारी से जितना क्वांटिटी में बनाना है। अब क्या करती हूँ कि सारे दाल मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करके डब्बे में बंद कर देती हूँ। एक जार में बंद करके रखने से ना कि जब ज़रूरत हो तो फटाक से निकालिए और फटाफट से दाल तैयार हो जाते हैं बना करके, मिक्स करने का झंझट ख़त्म हो जाता है। बर्फ डाल दिया डब्बे में इधर इसके, और इसका लेट डाल कर देंगे। बंद कर दिया, इससे रख दूंगे, और इधर जो अनियन आया हमारे उसको भी इस टोकरी में डाल करके साइड में रख दूंगी ताकि वो ख़राब ना हो। कैरेट में रखा करती थी पहले मैं, कैरेट से ख़राब हो जाता, नीचे वाला बनता ही नहीं है, ऊपर वाला सारे बन के ख़त्म हो जाते हैं, नीचे पड़े रहते हैं। ऐसे तो मैं अनियन यूज नहीं करती, जितना मैं अनियन मिक्स करती हूँ वो वेजिटेबल्स या फिर वो जो सब्ज़ी बना उसे मैं नहीं खाती हूँ। इस तरीके से वेजिटेबल जो अनियन आते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलते हैं, और मैं वीडियो शूट वगैरह करती हूँ तो उसमें सारे लोग तो अनियन खाते ही नहीं हैं, रूही से मैं थोड़ी सी हेल्प ली थी, इसको इसका जो ऊपर का छिलका रहता है ना वो निकालने के लिए, तो वो निकाल के दी है। तो यहाँ देखिए निकाल, ये कहने का मतलब तो ऊपर में जो ये लगा रहता है ना, ऊपर से एक्स्ट्रा लटकते हुए रहते हैं ना, वो फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं ऊपर से ये छिलका निकाल के रखवा देती हूँ। और यहाँ इस डब्बे में डाल दे रही हूँ, अच्छे से रख दूँगी इसमें। और ये अलग से इसे भी डाल दिया मैंने,
और ये देखिए ये उड़द की दाल है, दाल के पैकेट में सारे दाल रख देते हैं, और थोड़ी सी वो मूंग की दाल, और ये फिर चना दाल। वो कम वाले मैंने ऊपर में रख दिए, और जो ज़्यादा थे नए आए वो उसे इसमें डाल दूँगी, इस डब्बे में डाल के बंद करके रख दूँगी। और इस डब्बे को धो करके अच्छी तरीके से सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसमें मैं चीनी रख दूँगी। अभी उधर रूही आलू रख दे रही है, तो मैं ज़्यादा आलू यूज नहीं करती हूँ, बस जितना ज़रूरत है कभी कभी उसके लिए मैं यूज करती हूँ। और यहाँ चीनी डाल दिया मैंने, और थोड़ी सी ये वाली जो ये रखी है मैंने, ये डब्बे ये मेजरमेंट कप है देखिए, ये तो मेजरमेंट कप में ही मैं इसमें डाल देती हूँ। और इतना थोड़ा सा चीनी अलग करके साइड कर लिया। मैं हमेशा ही थोड़ी सी चावल, थोड़ी चीनी और जो भी थोड़ा सामान अलग करके थोड़ी सी रख लेती हूँ, अगर इमरजेंसी में कभी ख़त्म हो गया तो दुकान दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये स्टोर करके रखती हूँ मैं अलग से। तो इसको इसमें डाल दिया है चीनी, चीनी के डब्बे में चीनी डाल दिए, देखिए इस तरीके से बंद कर दिया। अब प्लेट इसलिए रखी थी कि नीचे फर्श में गिरेगा तो फिर मैं उठा नहीं पाऊँगी, लेकिन प्लेट रखा है तो प्लेट में भी गिरे नहीं, बच गए। और यहाँ मैंने ये देखिए जिंजर मंगवाया था, एक बार ही मंगवा लेती हूँ मैं, ऐसे जिंजर पाउडर अभी सस्ते तो नहीं है, और बारिश का भी सीजन चल रहा है तो जिंजर पाउडर भी काम आते हैं। इसमें थोड़े से लहसुन और अदरक रखा है मैंने, और ये थोड़े से जो आलू मंगाए इसको इसमें रख के अलग से रख दूँगी। ग्रोसरी खाली कर रही थी मैं तो सामने रही थी, तो उसको बोल दिया कि वो प्याज और आलू का अलग टोकरी में डाल दो, तो अलग टोकरी में डाल दिया। और ये एक डब्बे की ये लिया मैंने डब्बा, उसमें ये थोड़ी सी नूडल्स, ये बिरयानी मसाला, और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये क्या मीट मसाला, और ये मैंने नूडल्स लेकर के आए थे, और ये चीनी थोड़ा सा बचा कर रखा मैंने वो यानी कि शक्कर, और ये चिकन मसाले, और ये रहे ब्लैक सॉल्ट, और ये कश्मीरी नहीं सॉरी कसूरी मेथी, इसको सबको इस डब्बे में डाल के रखूँगी मैं, ताकि जब हमको ज़रूरत है जब मैं तुरंत निकाल के रख सकती हूँ इसमें। तो मैं गरम मसाले अलग रखती हूँ, और ये देखिए ये दालचीनी है, इसमें दालचीनी लेकर के आई थी मैं उस दिन मॉल से, तो ये भी नहीं रखा था डब्बे में। ये दालचीनी है, और डब्बे में मैंने भर लिए हैं इलायची पाउडर, लेकिन और एक्स्ट्रा बचा, मैं बताया ना मैंने बताया कि थोड़ी थोड़ी मैं अलग से रख लेती हूँ स्टोर करके, और वो दाल छोटी इलायची थी, छोटी इलायची को मैंने अच्छे से चाय के मसाले भी बनाए और रख दिए हैं। और ये साबूदाना फेस्टिवल है तो हर समय चाहिए ही, अभी साबूदाना चाहिए, उसके बाद मखाना चाहिए, रूही थोड़ी हेल्प करा रही है मेरी, और एक सेवई की पैकेट थी वो रखने के लिए अलग जगह, ये तो भर गए, दूसरे जगह दूसरे डब्बे में इसे डाल दूँगी। और यहाँ देखिए सब खाली करके रख लिया है मैंने, इसे भी साइड करके रख दूँगी। इस तरीके से रखने से मुझे थोड़ी सी आराम होती है कि जिस डब्बे में जो रखा हुआ होता है फटाफट उसमें जा कर निकाल लेनी है, और अलग करके वो जिंजर को धो करके अच्छी तरीके से रख दूँगी मैं। फ्रिज में कुछ रख देती हूँ, कुछ बाहर रखती हूँ। और इधर बिस्किट भी फाड़ करके मैं डाल दी हूँ डब्बा में, ताकि बच्चों को निकाल के आराम से खाने बन जाए, पैकेट ना ढूंढते रहें। तो इस तरीके से रख देने से आराम हो जाता है। ये बड़े डब्बे में मैंने डाला है, इसमें डालने से मॉइस्चर नहीं हो पाते जल्दी और ठीक से रहते, बच्चे खोलेंगे भी तो गिरता नहीं है, कांच के डब्बे में रखने से बच्चे तोड़ने का पूरा डर रहता है, जब निकाल रहे हों तो कहीं तोड़ ना दें, और ये है कि गिरा भी तो कोई बात नहीं। इस तरीके से कंटेनर में मैं रख दिया करती हूँ बिस्किट, इस जगह पे अभी रख देती हूँ मैं, ताकि दिक्कत ना हो मुझे लेने में, बाद में मैं अरेंज करूँगी। देखिए
इसको यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने ताकि आराम हो मुझे। ये ऑयल कवर नहीं है हमारा, यहाँ पर रख देती हूँ, रख दूँगी इस तरीके से। इसमें भी ड्राई मसाले और इस पर ड्राई फ्रूट रखा है मैंने। और इधर देखिए, इसको देखिए मम्मी के पीछे पीछे आके क्या कर रही है। इधर मैं थोड़ी सी, ये लोग आके पूरा मस्ती किए हैं बिस्तर में, धूल धूल किए तो थोड़ी सी झाड़ लेते हैं। देखिए कोई चीज़ को रहने देगी सही से? देख बेड में लगा हुआ था, देखिए उठा के रख के अलमीरा के ऊपर रख दिया मैंने। अभी निकाल करके उसको वहाँ चढ़ के निकाल दी। बच्चे भी परेशान करने में मास्टर हैं मम्मी को। बच्चे को जी सही से रहने ही नहीं देते घर पे। आप लगा के जाइए, आपके पीछे बिगाड़ने के लिए खड़े रहेंगे सब। बेटा आप छोड़ दिए, मामा कर लेंगी। इधर देखिए मैंने लगाया था, उसको गिरा दिया है सब, फिर से जैसे तैसे लगा दिया ऊंचा नीचा करके। और इधर बेड मेसी मेसी हो रखा है, बेड को मैं बेडशीट हटा के और इसमें झाड़ू लगा करके दूसरा बेडशीट चेंज कर रही हूँ। इधर मैट्रेस प्रोटेक्टर भी चेंज कर दिया है और बेडशीट भी लगा करके चेंज कर दिया है। और इधर हनी की बदमाशी चल रही है बिगाड़ने में। मम्मी इधर ठीक कर रही है, हनी बदमाशी कर रही है तो आप देख ही पा रहे होंगे। और इधर कर्टन में मैंने लगा दिया है दो दो करके मनी प्लांट। मनी प्लांट लगे हैं मेरे साइड में, आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा। तो बस इस तरीके से आज का रूटीन था हमारा। अर्ली मॉर्निंग उठ करके क्या क्या किया है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, नए आए हो तो बेल आइकन को भी टच कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ देख पा रहे हैं कितनी तेज बारिश हुई है, देखिए तालाब बन गए, पूरा तालाब बना हुआ रास्ते में, देखिए कितना सारा पानी जमा हो गया ना, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात करीब 2:30 बजे के आसपास से बारिश स्टार्ट हुई है, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। और पता नहीं रोड में क्या हालात होंगे बाहर, इसका तो कहा नहीं जा सकता है। ये तो घर के अंदर का है तो मैं दिखा पा रही हूँ आपको, इतना बारिश हो गई, इतना पानी जमा हो गया इधर। ये कौन है इसको अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, पर मैंने इसको कवर कर दिया है पूरी तरीके से। ये देखिए दिखा रही मैं इसको, कितना गुस्सा हो रही है इसको, ठंड लग रही है, इतनी तेज ठंड हो रही है तो स्वेटर पहनाना ज़रूरी है। स्वेटर पहनाया है तो गुस्सा होकर बैठी है। सुबह दूध लाने गए थे ये, इनके पापा और हनी, और देखिए तो सब कोई भीग के आए थे, इतनी तेज बारिश है, छतरी भी नहीं बचाया सबको। और बाहर निकल गई है, बाहर निकलने के लिए मैंने मना किया इसको, बाहर मत निकलो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बारिश की थोड़ी सी मज़ा लेने के लिए आई बाहर, बहुत अच्छा लगता है मुझे बारिश, बारिश की मस्ती में ये भी झूम कर रही है, झूम रही है। ये देखिए अशोक के सारे पेड़ झुके, पत्तियाँ झुकी हुई है, और इसमें इतने सारे बर्ड रहते हैं ना, बारिश की वजह से सब अंदर चले गए। अशोक के पेड़ में शायद अंदर तक पानी नहीं जाता होगा, ये देखिए अंदर तक पानी नहीं, बारिश की बूंदें नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा पूरा अशोक का पेड़। इसमें बहुत सारे बर्ड हैं, ब्लैक वाले जो ढेचुआ आते हैं ना वो भी है पेड़ में, मैना है और पड़की बोलते वो भी है, कबूतर है, इनके घोंसले हैं इस पेड़ में, ये अशोक के पेड़ में इनके घोंसले हैं। इधर ये देखिए ये एक लगा हुआ है इस साइड में, और ये फ्रंट साइड वाला था ना इसके रस्सी टूट कर गिर गया है नीचे। देखिए हवा चल रही है ना, बर्फीली हवा चल रही है यहाँ पे, कहीं तो कितनी तेज़ गर्मी हो रही है और यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। अच्छा लग रहा है ना पत्तियों को देख करके, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सब
फुर्सत के टाइम में बैठ के बारिश के बूंदों को देखना, पत्तियों में बारिश की बूंदें आना, और अगर मैं भीग सकूँ तो वो भी बहुत मज़ा आता है मुझे। देखिए कितनी बर्फीली हवा, तो बच्चों को स्वेटर पहनाना बहुत ज़रूरी है इस वजह से। देखिए बूंदें टपक रही है ना पत्तों से, अच्छे लग रहे हैं ना। यहाँ देखिए ये कूद रही है, तो स्वेटर ना पहना है। रौनक की तबीयत तो ऐसे ही ख़राब हुई पड़ी है, आपको तो पता ही होगा। रौनक मेरा वो मम्मी के बगैर रहता नहीं है, ये लोग तो पापा की परियां पापा के पास रहती हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर वो रौनक को तबीयत ख़राब होती वो मुझे परेशान। देखिए ये दिखा रही हूँ ना मैं, इसके रस्सी टूट गया था, ये नीचे गिरे हैं बारिश के कारण, मैंने उठाया भी नहीं है इनको। इससे भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, लगातार बारिश में भीगना मज़ा नहीं आता है, लेकिन हाँ अचानक बारिश हो रही है उसमें भीगना बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जितने फ्लावर, ये जो पौधे थे ना इनके फूल के बीज गिरे थे, बहुत सारे निकले थे, सब निकलवा कर फेंकवा दिया है। कम से कम 5-6 पौधे रखे हैं मैंने, उसमें भी इतना सारा झाड़ी हो गया है। देखिए गेट खोल करके हनी इधर रूही इधर से आ गई, चलिए बेटा अंदर चलिए, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये नज़ारा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाय भी लेकर के मैं बैठती हूँ यहाँ पे। तो देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इस जगह पे मैं बैठ के हमेशा चाहती हूँ कि अगर शाम का टाइम हो तो इस जगह पे एकदम हरियाली के साथ बैठना और चाय की चुस्कियों के साथ मज़ा लेना। और देख पा रहे हैं, देखिए रूही की बदमाशी है, देखिए सर्दी लग रही है ना, इसे मैंने स्वेटर पहना रखा है। इसे इसके भी नाक जाम हो रहे हैं अभी, और ये भी परेशान हो रही है, पर इसे अच्छा लग रहा है इस तरीके से बाहर निकलना। तो मैं थक चुकी तो लास्ट में स्वेटर निकाल के सबको पहना दिया है, और सब बाहर में घूम रहे थे, घूमो या लेटो या घर पे। घर से सारे विंडो मैंने बंद कर दिए हैं, केवल कर्टन हटा करके ताकि रोशनी आए। लाइट भी कट जा रही है, और बार बार लाइट आ रही है जा रही है, इस वजह से तो मैंने कर्टन हटा दिए हैं विंडो के। और बहुत तेज़ हवाएँ आ रही है, मुझे अंदर जाना तो मेरी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही है यहाँ पर, मेरी भी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए मुझे अंदर जाना होगा। चलिए मैं बंद कर देती हूँ मैं गेट, चलिए बेटा अंदर आइए जल्दी, अंदर आइए, बंद कर दूँगी मैं। देखिए ये बैक साइड का विंडो, ये भी फ्रंट का है, इसका ग्लास मैंने बंद कर दिया, कर्टन हटा दिया है, क्योंकि हवा ना आए, रोशनी बस चाहिए, हवा ना आए। बहुत तेज़ की रोशनी, बहुत तेज़ की ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही हैं। यहाँ देखिए ये भी, यहाँ भी मैंने पैक कर दिया है, बस बाहर की ग्रीनरी नज़र आ रही है, और बारिश की बूंदों की आवाज़ें आ रही है यहाँ से। और कर्टन साइड कर दिया ताकि रोशनी आए, लाइट ऑफ है। देखिए हनी भी सो रही है, उसको भी मैंने स्वेटर पहना दिया है, देखिए उठ गई बच्ची। सो जाइए बेटा, सो जाइए सो जाइए सो जाइए, बाहर बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चली है। देखिए ये रौनक अभी इसको तेल लगा कर मैं गई हूँ, और ये देखिए तेल लगाया है मैंने इसको, फीवर तो नहीं है, बिल्कुल फीवर नहीं है इसको, अभी जस्ट तेल लगाया इसके सर में, बहुत तेज सर इसके पकड़े हुए थे, तो मैंने इसको तेल लगा दिया बालों में। ये दोनों को यहाँ सुलाया है, और ये मेरे साथ है, और इधर भी मैंने कर्टन बंद कर दिया थोड़ी सी, ये मैं जिस साइड बैठूंगी ना उस साइड थोड़ी सी मैंने, ये देखिए थोड़ा सा ग्लास यहाँ से खोला है, नेट लगाया रखा है यहाँ, ये वाला स्पेस थोड़ा सा खोल के रखा है, और नेट लगाया है इस साइड में, सिर्फ मच्छर वगैरह कुछ ना घुसे अंदर, और थोड़ी थोड़ी बाहर की बर्फीली हवाएँ आती रहें, तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। आपको कैसी लगती है बारिश का मौसम? रात दिन बारिश हो तो मज़ा नहीं आता बाहर जाने में, लेकिन घर के अंदर रह के एंजॉय करना, अच्छा अच्छा खाना बनाना, अच्छी अच्छी डिश बना के खाना और खिलाना, मुझे बहुत अच्छे से ले सकती हूँ। ये देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आज की ये ब्लॉग, आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करना मुझे।